तो अभी देखिए हमारे आँख पे क्या मिट्टी लगा हुआ है। मैं मिट्टी लाने के लिए जा रहा हूँ पोखरे में, मुझे घर को थोड़ा सजाना है और मेरी बीवी पीछे पीछे को टोकरी लेके आ रही है खुरपी लेके। तो हम लोग पोखरे पे आ गए हैं, पोखरा समझते हैं ना, पोखरा वहीं पे मिट्टी उट्टी कटिंग करेंगे, टोकरी में भरेंगे, लेके जाएंगे। देखिए हमारी बीवी किस तरह का सूट पहन रखी है, एकदम गांवटी देहाती स्टाइल में और साफ बुरबकहा स्टाइल रखती है। मिट्टी ढोने के लिए आई है, मेरे को पकड़ के लाई है, देख रहे हैं मेरा आँख में मिट्टी लगा हुआ है, मेरे से मिट्टी ढोवा रही है। क्या करेंगे भाई, मिट्टी तो ढोना ही पड़ेगा, अब नहीं ढोओगे तो बीवी घर में खाना भी नहीं देगी। देखिए किस तरह से हम लोग अभी पोखरा पर पहुँच चुके हैं, इधर से ही मिट्टी खोनेगी। हाँ तो कुछ बोलिए, बाप मिट्टी खोने आई है, देखिए मिट्टी खोनेगी पोखरे से। अब देखिए मिट्टी खोदने बैठ गई, जाएगी घर पे सान के। हाँ मिट्टी खोदने को लिए बैठ गई, देखिए पोखरे में है मछली। ये पोखरा में मछली साल में एक ही बार आता है, जो कि पोखरा पूरा सूखा हुआ है। और देखिए कैसे मिट्टी काट रही है, देखिए किस तरह से गांवटी है, बौरिया खुरपी चला रही है। और देखिए सारे नज़ारा उधर से, पूरे बांस पिट्टी लग रहा होगा, पूरे चौड़ का बांसवाड़ी। और देखिए टावर दिख रहा है ना, वो बड़ा बड़ा टावर, हाँ दिख रहा होगा वो टावर। टावर देखिए, नहीं दिख रहा है, अच्छा एक कैमरा के सामने नहीं है टावर, अच्छा दिखिए टावर देखिए। अब तार का पेड़ दिख रहा है, हाँ वो तार का पेड़ दिख रहा है। और वो बड़ा वाला टावर, गिधर है डब्बा वाला टावर, नहीं है, है है है, हाँ वो दिखा टावर दिखा ना, हाँ दिखा। और मेरी बीवी दिख रही है, नहीं दिख रही, थोड़ा बाय बाय करो, बाय। मिट्टी खून रही है मेरी बीवी, बोल रही है बाय बाय, दिख रहा है दिख रहा है। हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों।